देखा सुना आप लोगों ने सुना जो व्यक्ति अपने संत के समाज में भाई सभी से निवेदन है आप सभी भोजन प्रसाद ग्रहण करके पधारेंगे। समाज की ताकत सभी से निवेदन है आप भोजन प्रसाद ग्रहण के पधारेंगे। कार्यक्रम में आप लोग सभी पधारे आपने अपना अमूल्य समय जयमल राठौड़ जी की जयंती थी। हम सब उत्साह से उल्लास से पार्टी से ऊपर उठ के हम सब जयमल जी को याद कर रहे हैं, उनकी वीरता को याद कर रहे हैं। उन्होंने जो हमको संदेश दिया उसको जन जन तक कैसे पहुँचाएँ ये बात कर रहे हैं। इसमें बीजेपी कांग्रेस निर्दलीय सभी दलों के लोग प्रधान सरपंच जिला प्रमुख मंत्री पूर्व मंत्री सभी लोग आमंत्रित थे। आप देख रहे थे इसमें संत जो हैं वो आप जानते हैं खुद ही बहुत ही गुस्सा, संतों को गुस्सा आना नहीं चाहिए वैसे। हमको भोर साहब को तो गुस्सा आ जाए ये समझ में आते हैं, हम तो मृत्युलोक में हैं वो तो मृत्युलोक से ऊपर उठे हुए हैं। तो सहमति और असहमति ये डेमोक्रेसी का मूल मंत्र है। कोई चीज़ पे सहमत हो सकता हूँ मैं, कोई चीज़ पे मैं असहमत हो सकता हूँ, लेकिन समाज की जाजम पे और उनको उच्च सिंहासन पे बिठाया है सभी ने, हम सब ने उनको जिस ढंग से संबोधन किया, मैंने भी भोर साहब ने भी जिला प्रमुख जी ने भी और रविंद्र सिंह भाटी साहब ने भी सबने जो संबोधन किया हम उनका बहुत आदर और सम्मान करते हैं। अब अगर कोई बात अप्रिय भी थी उनके लिए या उनको अप्रिय लगी भी हो कोई बात तो वो हमको कान पकड़ के भंवर सिंह जी को हमको किसी को भी उनको अधिकार है, वो हमारी समाज के उच्च सिंहासन पे बैठे हुए संत हैं, 1008 संत हैं। तो उनको चाहिए अगर कोई बात अप्रिय लगी या किसी बात से उनकी असहमति थी तो सार्वजनिक रूप से गुस्सा करना संत को कम से कम सौंपा नहीं मिलता है। हमको तो क्योंकि हम गलती भी कर सकते हैं, हम तो भाई सार्वजनिक जीवन में हैं, कुछ काम अच्छे करते होंगे कुछ गलतियां हो जाती होंगी। संत से तो अपेक्षा करते हैं कि वो हमें अच्छे मार्ग पे लाएं, हम कोई गलती करें हमारा कान पकड़ें और उसको ठीक करें। ऐसा आप देखा नहीं आपने उनका जो पर्चे में जो नाम छपाया है युवा क्रांतिकारी संत हैं, उनको समाज है उनको वो ये पहला नहीं है, वो ऐसा गुस्सा कई दफ़ा कर चुके हैं। हमारे नांद के गौशाला में भी एक कार्यक्रम हुआ था, नांद में जो गौशाला है वहाँ भी कार्यक्रम हुआ, वहाँ भी एक बार राजेंद्र राठौड़ साहब उसमें चीफ गेस्ट थे, उसमें भी मतलब उन्होंने बहुत गुस्से से, तो वो तो अब क्या कर सकते हैं भैया, संत हैं।